दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ तुला राशि के सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को भोग रहे होंगे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तुला राशि 22 से 31 दिसंबर 2019 का राशिफल लेकर मैं उपस्थित हूँ। साल का अंतिम सप्ताह किस प्रकार का बीतेगा, जाते जाते 2019 क्या देकर जाएगा, कितना शानदार होगा 2020, ये सब भी हम आपको बताएंगे। जितना शानदार होगा 2019 का अंत, उतना ही लाजवाब होगा 2020 का शुभारंभ। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको इस वीडियो में पता चलेंगी, कुछ उपाय भी पता चलेंगे, जिससे आप 2019 को हंसते हंसते विदा करेंगे और खुशियों से स्वागत करेंगे 2020 का। तो यह जो जानकारी है वह चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, घंटी वाले निशान के बटन को नहीं दबाया, तो अभी दबा दें और जुड़ जाए चैनल के साथ। शुरुआत करते हैं 22 और 23 तारीख से चंद्रमा मंगल के साथ होंगे लग्न में। आपके लिए यह समय आनंद का होगा, शुभ होगा, आपके लिए यह वक्त बढ़िया रहने वाला है। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, व्यापारी वर्ग बढ़िया धन लाभ कमाएंगे, या कहें बढ़िया ऑर्डर मिल सकते हैं, बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बढ़िया डील हो सकती है, बढ़िया साझेदारी हो सकती है व्यापारियों की। इस समय अंतराल में आप शेयर मार्केट में पैसा लगाकर लाभ कमा सकते हैं या कमा सकती हैं, लेकिन समझदारी दिखाइएगा। आप आत्मनिर्भर होंगे, हर छोटा बड़ा काम बखूबी करेंगे, परिवार के साथ वक्त बिताने का अवसर प्राप्त होगा, सभी काम बनेंगे। आप घर के लिए, ऑफिस के लिए कुछ बड़ी खरीदारी कर सकते हैं या कर सकती हैं। आपके पास सब कुछ होगा इस समय अंतराल में, जो आपने इच्छा की होगी। आपके घर में मेहमान आ सकते हैं, आपकी वाणी मधुर होगी, आपकी संतान आज्ञाकारी होगी, छात्र छात्राएं बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे। विवादों से दूर रहिए, लड़ाई झगड़ों में अपने वक्त को खराब मत करिए, तनाव की समाप्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया होगा, व्यावसायिक जीवन बढ़िया होगा, साझेदारियां बढ़िया होंगी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया होगा। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, घर में सुख शांति होगी, आनंद का समय है, भाग्य आपके साथ में है। बात करते हैं 24 और 25 तारीख की। चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे द्वितीय भाव में, यानी धन भाव में। आपके लिए यह समय बढ़िया रहने वाला है, आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होगा, या कहें मां लक्ष्मी की सीधी कृपा आपके ऊपर होगी। आपको मेहनत करने से लाभ होगा। कई बार क्या होता है कि हम मेहनत करते हैं, हमें परिणाम नहीं मिलते, लेकिन अब मेहनत करेंगे और तुरंत आपको परिणाम मिल जाएंगे। आप बड़े बड़े कामों में सफलता मिलती हुई देखेंगे, बहुत जल्द सफलता मिलती देखेंगे। विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी बच्चों के साथ शानदार वक्त बिताएंगे या बिताएंगी। आपकी यात्राएं काम को लेकर हो सकती हैं, जो कि सफल रहेंगे। आप घूमने फिरने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं या बना सकती हैं। आप प्रेम संबंधों में हैं तो आपको फायदा होने वाला है, यानी आपके संबंध बढ़िया रहने वाले हैं, आपकी आमदनी बढ़ने वाली है। एक बात का ध्यान रखें, कोई भी गलत निर्णय ना लें। एक गलत निर्णय आपकी पूरी हस्ती खेलती जिंदगी को या हंसते खेलते समय को खराब कर सकता है। किसी के बहकावे में ना आए, किसी की बातों में ना आए, जल्दबाजी ना करें, जल्दी पैसा कमाने वाली बातों में ना आए, किसी की चुगली करने वाली जो कुछ लोगों की आदत होती है, उन लोगों के चक्करों में ना फंसे, लड़ाई झगड़ों में ना फंसे, तभी यह समय बढ़िया है। सावधानियां 4 रखिए और 400 खुशियां पा लीजिए, मैं ये कहूंगा। इस समय में आपकी जरा सी गलती आपको हानि दे सकती है। अपनी आंख का ध्यान रखिएगा, बच्चों की पढ़ाई बढ़िया रहेगी, लेकिन थोड़ी सी पढ़ाई बीच बीच में प्रभावित रह सकती है। बच्चे शायद बीच बीच में पढ़ाई छोड़ दें, या उनको कुछ चीज़ समझ में ना आए, या उनका सर दर्द वगैरह हो सकता है, या उनको कुछ आलस आ सकता है, लेकिन पढ़ाई करने की वो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, शायद सेहत की वजह से, या उनका मन ना लगे पढ़ाई लिखाई में, वो पढ़ाई चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों को डांटिएगा नहीं, बल्कि समझाइएगा, उनकी समस्या का हल करिएगा। दोस्ती जो अच्छी है वो अच्छी है, लेकिन बुरी संगति, बुरे लोगों की तरफ मत जाइएगा। दिमाग थोड़ा सा बुरे लोगों की तरफ भी जा सकता है, क्रोध से बचना होगा। वक्त बढ़िया है, लेकिन सावधानियों के साथ, जैसा मैंने कहा, 4 सावधानियां रखिए, 400 खुशियां पा लीजिए। और अगर 4 सावधानियां नहीं रखी तो 400 खुशियां छिन भी सकती हैं। तो ध्यान से वक्त को बिताइएगा। अब बात करते हैं 26 और 27 तारीख की। चंद्रमा तृतीय भाव में होंगे गुरु के साथ, गज के शिरो, केतु के साथ ग्रहण दोष, शनि के साथ विष दोष और श्रापित दोष भी बनेगा। तो वक्त नाजुक भी है और वक्त काम का भी है। आप कोई भी काम सोच समझ कर करें तो बेहतर रहेगा। भाई बंधुओं का सहयोग तब प्राप्त होगा जब आप उनसे प्रेम से, विनम्रता से बात करेंगे, लड़ाई झगड़े में बात नहीं करेंगे, गुस्से में बात नहीं करेंगे। यानी वक्त आपका थोड़ा नाजुक है, आपको जरूरत है तो आपको विनम्र होना पड़ेगा, थोड़ा सा झुक कर बात करनी पड़ेगी।
आपके पीठ पीछे लोग बुराई कर सकते हैं, जिस बुराई को सुनकर हो सकता है आपको क्रोध आ जाए और आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर बैठे, क्योंकि ये सब काम पीठ पीछे होगा, आपको उकसाने के लिए होगा, आपको और जोश दिलाने के लिए होगा ताकि आप कोई गलती करें, और जब आप गलती कर बैठेंगे तो नुकसान आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो शांत रहिए, जो कोई पीठ पीछे बुराई कर रहा है उसको करने दीजिए, आप आगे बढ़िए, अपने काम में लगिए। आपके अंदर काम करने की इच्छा होगी लेकिन सेहत शायद आपका साथ ना दे। आपके द्वारा लिए गए फैसले जो हैं वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे अपने फैसलों को लेकर, लेकिन हो सकता है कोई उसमें आए और कोई नई बात जोड़ दे जिसकी वजह से कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाए, यानी स्थिति बड़ी डावाडोल रहेगी। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बना के रखें, अपनों को अपना बना के रखें, अपनों से रिश्ते खराब ना करें। कुछ पुराने मित्र मिल सकते हैं, परिश्रम से ना घबराएं, वाहन ठीक प्रकार से चलाएं, विवादों से बचें। इस समय अंतराल में मैं यही कहूंगा आपसे, अपनों को दुश्मन न बनाएं, अपनों से प्यार मोहब्बत से बात करें, अपने जो हैं वही आपके काम आएंगे। जो आस्तीन के सांप हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो आपके अपना बनने की कोशिश करेंगे, उनको अपना बनाकर जो वास्तविक में आपके अपने हैं उनको दूर मत करिएगा, क्योंकि इस समय अंतराल में आप थोड़े से नासमझ होंगे और लोगों की बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में भी आ सकते हैं या आ सकती हैं। बच्चे मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे लेकिन अपना काम जैसे तैसे निकाल लेंगे, अपना होमवर्क जैसे तैसे पूरा कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा वो पढ़ाई से जो शिक्षा है वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा से डिस्टर्ब रह सकते हैं, थोड़ा सा तनाव का माहौल घर में भी रह सकता है। महिलाएं भी आपस में थोड़ी सी कलह कलेश कर सकती हैं अपने संबंधों में, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। अब बात करते हैं 28, 29, 30 तारीख की। चंद्रमा शुक्र के साथ होंगे चतुर्थ भाव में, आपको यह वक्त भी शानदार तरीके से बिताने का मौका मिलेगा। आप जल्दी अपनी छोटी मोटी समस्याओं से मुक्ति पालेंगे, आगे बढ़ेंगे, सफलता भरा यह वक्त होगा। आपके परिवार में मित्रों के साथ आप बढ़िया वक्त बिताएंगे, बढ़िया मनोरंजन होगा, बढ़िया खाने पीने का प्रोग्राम होगा, फिल्में वगैरह देखने जा सकते हैं, घूमने फिरने का या पार्टी जैसा माहौल भी हो सकता है। माता जी का आशीर्वाद आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा, माता जी आपको दिल खोल कर आशीर्वाद देंगे और उनकी आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय हो जाएगा। आपका विवाह हो गया है तो आपका जीवन साथी आपके लिए लगी रहेगा और आपका जीवन साथी जो है किसी ना किसी प्रकार से आपकी सहायता करेगा या करेगी, या हो सकता है जीवन साथी बड़े लंबे समय से आपका नौकरी की तलाश में हो, व्यापार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव चल रहा हो, तो होगा ये कि आपके जीवन साथी को अच्छी नौकरी इंक्रीमेंट मिल सकता है, या फिर जो व्यापार में उतार चढ़ाव था वो अब समाप्त हो जाएगा और सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, जिसमें आप दोनों मियां बीवी का बहुत अच्छा योगदान होगा, एक दूसरे की जो आप लोगों ने मदद की होगी उसका फल मिलेगा। यहाँ सब कुछ बढ़िया है, कुछ भी ऐसा खराब दिखाई नहीं पड़ता है। आप कुछ संपत्ति खरीद सकते हैं, पुराने मित्रों से मिल सकते हैं, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, कुछ 4-5 मित्र एक साथ मिल सकते हैं जो आपके स्कूल कॉलेज या कहीं आपके जो आप लोगों ने प्रोफेशनल पढ़ाई की हो वहाँ के मित्र हो सकते हैं। आप लोग कोई प्रोग्राम बना सकते हैं कि चलो आज मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं, वहाँ मिलते हैं और पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। आप ईमानदारी से नौकरी व्यापार करते चले जाएंगे, सब कुछ बढ़िया रहेगा, बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी, छात्रों को पूर्ण सफलता मिलने की योग है, कुछ भी परीक्षा कंपटीशन देने जा रहे हैं तो बढ़िया रहेगा, वक्त बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, शानदार है। आपके धन में, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके लिए जीवन साथी का बहुत अहम रोल होगा इन तारीखों में। आपका जीवन साथी आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत शानदार करेगा या करेगी, और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, कला सौंदर्य के आप बड़े शौकीन होंगे, बड़े आर्टिस्टिक होंगे, बहुत बारीकी से कला को परखने वाले इंसान होंगे आप, और जहाँ पर भी कला होगी, जहाँ पर भी सुंदरता होगी, जहाँ पर भी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आपको जज करने का मौका मिले, आप बहुत अच्छी तरीके से कला को, सुंदरता को जज करेंगे, क्योंकि आप बहुत प्रेम से भरे हुए होंगे, आप बड़े रोमांटिक होंगे या होंगी, या कहें आप बहुत खुश मिजाज होंगे। इस समय अंतराल में बढ़िया समय है, घर के लिए कुछ खरीदारी हो सकती है, ऑफिस के लिए कुछ खरीदारी हो सकती है, काम इतना आ जाए कि कुछ नए लोगों को रखना पड़ सकता है, यानी काम का भी विस्तार होता दिखाई पड़ रहा है। माता जी का आशीर्वाद लेते रहिएगा, उनको नाराज मत करिएगा,
सारी दुनिया एक तरफ माता जी का आशीर्वाद, एक तरफ माता जी का आशीर्वाद आपके बिगड़े काम बना देगा, छोटी मोटी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, अब वक्त बढ़िया है। बात करते हैं 31 तारीख की यानी साल के अंतिम दिन की। आज का दिन विद्या प्राप्ति का दिन होगा, दोस्ती के लिए विशेष है, कुछ फ्रेंडशिप हो सकती है आपकी, नई नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, विवाह संबंध जुड़ सकते हैं, हो सकता है आपका कोई ऐसा संबंध ऐसा रिश्ता आज के दिन में जुड़ जाए जिसको आप सालों साल वर्षों तक याद रखें। साल का अंतिम दिन है, आपकी संतान आज्ञाकारी होगी, सफल होगी, आपकी संतान कुछ ना कुछ बढ़िया काम करेगी जो ये तारीख यादगार बन सकती है, सफलता भरा समय होगा, यात्राएं हो सकती हैं, आपकी मेहनत में भाग्य का साथ मिलेगा, आप खुश होंगे, हंसते हंसते 2019 की विदाई होगी और जोरदार स्वागत होगा 2020 का, यानी 31 दिसंबर 2019 आपके लिए कुछ बढ़िया परिणाम लेकर आ रहा है, कुछ ऐसी मीठी मीठी यादें जोड़ देगा जिसको आप तारीखों में याद रखेंगे या याद रखेंगी, तो बहुत बढ़िया वक्त है। तो आपके लिए 74% जो है शुभ समय बना हुआ है इन तारीखों में, यानी 22 से 31 के बीच में, दो नंबर आपके लिए बढ़िया है, गुलाबी रंग आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं कुछ उपायों की। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का पाठ करिए, हो सके तो शुक्रवार वाले दिन गरीबों में कुछ सफ़ेद चीज़ों का वितरण करें, आपको बहुत लाभ होगा। ये खाने पीने की भी चीज़ें हो सकती हैं या कोई कपड़ा वगैरह या उनके लिए जरूरत का सामान भी हो सकता है, बहुत ही बढ़िया रहेगा। और गायत्री मंत्र का पाठ करना मत भूलिएगा। 2020 का शुभारंभ कैसे करना है, 2020 की सुबह उठिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और भगवान के मंदिर जाइए, बहुत बढ़िया रहेगा। आपको करना क्या है जो आपके लिए बहुत विशेष भी रहेगा, बहुत लकी भी रहेगा, तो आप सुबह उठिए, पहले से ही इंतज़ाम कर लीजिएगा अपने घर के मंदिर में या घर के आसपास का कोई मंदिर हो, वहाँ पर खूब सुगंधित अगरबत्ती धूप बत्ती जलाइएगा और कुछ धूप बत्तियाँ या सुगंधित जो चीज़ें होती हैं इत्र वगैरह का दान करिएगा मंदिर में जाके। यकीन मानिए पूरा साल सुंदर खुशबू से भरा होगा, आनंद से भरा होगा, प्रसन्नता से भरा होगा, यानी कि आपको सुगंधित चीज़ों का जैसे अगरबत्ती इत्र का दान करना है किसी मंदिर में या फिर अपने घर में उनको जलाना है, या दोनों काम करें तो बेहतर होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। इस काम से शुरुआत करिएगा 2020 की सुबह की और पूरा साल माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में खुशबू फैलती रहेगी और कभी भी आपको निराशा नहीं होगी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए। इन तारीखों में आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका प्यार ऐसे ही हमें मिलता रहे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, 2020 के लिए बहुत सारी वीडियोज आएंगी, बहुत कुछ बताएंगे आपको कि 2020 कैसा होगा, वक्त वक्त की जानकारी मिलेगी, इसके लिए चैनल से जुड़ना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, घंटी वाले निशान के बटन को दबाना होगा और ऐसे ही अपना प्यार 2020 में हमें देते रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद 2019 में आपके सहयोग के लिए, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2020 आपका शुभ रहे और ऐसे ही हमारा और आपका साथ बना रहे। नमस्कार।